आपने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ ह्यूमंस ही अकेले हैं जो मिल्क पीते हैं, वो भी बड़े होने के बाद भी? कोई भी एनिमल्स मिल्क नहीं पीते बड़े होने के बाद। कहा जाता है कि ह्यूमन और बेबी मैमल्स को मिल्क जरूरी होता है जब तक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता, ताकि फूड को बराबर से डाइजेस्ट करे। वेरियस स्टडीज ने ये प्रूव भी किया है कि मिल्क पीने से बोन हेल्थ को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, बट रेगुलरली ज्यादा ड्रिंक करने से प्रॉब्लम्स लाइक ब्लोटिंग, डायरिया, गैस, स्टमक पेन, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम और दूसरे भी प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने एंड बोन ब्रेकेज भी हो सकता है। आज के हमारे वीडियो है मिल्क के बेनिफिट्स। और दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। ह्यूमंस ही ऐसे स्पीशीज होते हैं जो मिल्क को कंज्यूम करते हैं, वो भी बड़े होने के बाद। न्यूट्रिएंट्स, आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं मिल्क से। इसमें एग्स और फिश इंक्लूड करने से डेली डाइट में आपको विटामिन डी मिलता है। हमें और बहुत सारे फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पर कुछ कैल्शियम रिच फूड है जैसे कि टोफू, आलमंड मिल्क, सीड्स, लेंटिल्स, सोयाबीन्स, सैल्मन, बनाना, बीन्स, आलमंड्स एंड केले, जिससे मिल्क के साथ यूज करने से हमको और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लैक्टोज, शुगर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से हमें लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज को एक एंजाइम रिक्वायर होता है जिसका नाम है लैक्टेस, जो मिल्क के अंदर होने वाले शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम बेबीज होते हैं, हमारी बॉडी बहुत मात्रा में ये लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो मदर मिल्क एब्जॉर्ब करता है। नियरली 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मिल्क इनटेक करता है। एस्ट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स, मार्केट से मिल्क लेना एक बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में पैक्ड मिल्क में प्रेजर्वेटिव्स और एंटीबायोटिक्स बहुत होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, 90% ऑफ पॉपुलेशन मिल्क पीते हैं जिसमें लेस होता है और साथ में डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, यूरिया एंड पेंट भी मिक्स्ड होता है। और जो 60% ऑफ मिल्क जो कमर्शियली सोल्ड होता है, उससे इंडिया फूड रेगुलेटर FSSAI अप्रूव नहीं करते इंटेक के लिए, क्योंकि जो मिल्क लोडेड विद एंटीबायोटिक्स होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एलर्जिक रिएक्शंस, टॉक्सिसिटी जैसे प्रॉब्लम्स लाते हैं। अपनी बॉडी को एक्सेसिव एस्ट्रोजन इंटेक करने से अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेगेटिव असर कर सकता है, जिससे अर्ली प्यूबर्टी या फिर मेनोपॉज में डिले भी हो सकता है। ये कैंसर सेल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंक्रीज होते हैं, जिससे आपको कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। रिसर्चेस ये बताते हैं कि जो पीपल 2 ग्लास से ज्यादा दूध पीते हैं एक दिन में, और जो लोग सिर्फ 2 या 1 ग्लास मिल्क पीते हैं पूरे हफ्ते में, उनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब थोड़ा या ज्यादा मिल्क पीने से आपके बोन हेल्थ में भी कोई फर्क नहीं आता। अगर दोस्तों आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।